दुबई में भारत की नौकरियों के वेतन के मुकाबले मिलता है इतना ज्यादा पैसा कि आप भी यही सोचेंगे कि काश मुझे भी यहाँ पर नौकरी करने का मौका मिल जाए। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, पैकिंग और हेल्पर। पैकिंग और हेल्पर का काम एक ऐसा काम है जिसको कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, और यही कारण है कि इस काम में पैसे भी काफी कम मिलते हैं। लेकिन फिर भी जिन व्यक्तियों के पास किसी भी प्रकार का कोई हुनर या डिग्री नहीं होती है, उन्हें यह काम मजबूरन करना पड़ता है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए लोग दुबई जैसी जगहों पर भी पैकिंग और हेल्पर का काम करने के लिए अपनी मजबूरी के चलते चले जाते हैं। अगर भारत में पैकेजिंग और हेल्पिंग के काम की सैलरी को देखा जाए तो इस काम के 10 से 12 हजार की सैलरी को दी जाती है, और इसमें सैलरी बढ़ाने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। और अगर वहीं दुबई की बात करें तो दुबई में इस काम के लिए 1000 से 1200 दिरहम तक मिल जाते हैं, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 22,500 से 27,000 रुपए होता है। नंबर दो, सेल्समैन। सेल्समैन का काम करने के लिए आज के समय की कंपनियां थोड़ी बहुत योग्यता और बात करने का हुनर मांगती हैं, क्योंकि इस काम में हमें किसी कंपनी के प्रोडक्ट या उनकी सर्विस को मार्केट में दुकानों या उस सामान के जरूरतमंद लोगों को बेचना रहता है। आज के समय कंपनियां ऑनलाइन सेल्समैन का काम करने के लिए भी भर्ती करती हैं, जिसमें एक सेल्समैन को फोन के जरिए लोगों से बात करके कंपनी के प्रोडक्ट या फिर उनकी सर्विस को बेचना रहता है। इस काम के इंडिया में आज के समय लगभग 12,000 से 15,000 रुपए तक मिल रहे हैं, और समय के साथ इनकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। और अगर वहीं दुबई में सेल्समैन की बात करें तो वहां पर शुरुआत में 2000 दिरहम तक मिल जाते हैं, और एक्सपीरियंस लोग 20,000 दिरहम तक कमा रहे हैं। आपको बता दें कि दुबई का 2000 दिरहम यहां का लगभग 45,000 रुपए होता है। नंबर तीन, सिक्योरिटी गार्ड। वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम रहता है यह तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें कि इस काम में सिक्योरिटी गार्ड को जिस जगह पर ड्यूटी करने के लिए कहा गया रहता है उस जगह की देखभाल और वहां पर आने जाने वाले लोगों की एंट्री दर्ज करनी रहती है। साफ साफ शब्दों में कहें तो सिक्योरिटी गार्ड जिस भी जगह की निगरानी में ड्यूटी करता है उस जगह की देखभाल और जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। अगर बात करें भारत में सिक्योरिटी गार्ड को दी जाने वाली सैलरी की, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को 10 से 15 हजार रुपए के बीच में सैलरी दी जाती है। लेकिन वहीं अगर दुबई में काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी की बात करें तो उसे शुरुआत में लगभग 1800 से 2200 दिरहम दिए जाते हैं, जो कि भारतीय रुपये में लगभग 40,000 से 45,000 रुपए तक होते हैं। नंबर चार, अकाउंटेंट। धीरे धीरे आने वाले समय में देश विदेश में अकाउंटेंट की मांग बढ़ती जा रही है। अगर बात करें एक अकाउंटेंट के काम की, तो इसका काम किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म के रुपए पैसों के लेन देन के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना और उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना होता है, और समय समय पर उन्हें उचित सलाह भी देना होता है। अगर भारत में एक बेसिक टेली जैसी चीजों को जानने वाले अकाउंटेंट की सैलरी की बात करें तो लगभग 10,000 रुपए से 18,000 रुपए है, और यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट की शुरुआती सैलरी 42,000 रुपए हर महीने मिलती है। वहीं अगर दुबई के बेसिक अकाउंटेंट की सैलरी की बात करें तो 2000 से 2500 दिरहम है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 45,000 से 56,000 रुपए होता है, और यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कई हजारों और लाखों दिरहम तक होती है। नंबर पाँच, एसी टेक्नीशियन। एसी टेक्नीशियन के काम में एसी को बनाने का काम सीखना पड़ता है, और जो व्यक्ति इस हुनर को सीख जाता है वह काफी अच्छे पैसे कमाता है। बात करें भारत में एसी टेक्नीशियन की कमाई की, तो भारत में एसी टेक्नीशियन की शुरुआती सैलरी लगभग 15,000 से 20,000 रुपए महीने होती है, और वहीं दुबई के एक टेक्नीशियन की शुरुआती सैलरी 2,000 से 3,000 दिरहम होती है, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 45,000 से 67,000 रुपए तक होती है, और धीरे धीरे अनुभव के आधार पर यह सैलरी 7,000 से 8,000 दिरहम तक हो जाती है। तो यह थी कुछ भारतीय नौकरियों के वेतन के मुकाबले दुबई के नौकरी की सैलरी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।